वाराणसी जनपद के सारंगनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भीड़। आने जाने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से पांडेपुर आशापुर होते हुए भी श्रद्धालु टू व्हीलर फोर व्हीलर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी तय करके सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास स्थित सारंगनाथ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर की प्रसिद्ध मान्यताएं थाना क्षेत्र सारनाथ वाराणसी। स्थानीय लोगों के द्वारा इस मंदिर के बारे में बताया गया है कि शिव जी पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए सारनाथ में स्थित सारंगनाथ मंदिर में आए और रहने लगे। उनको कई वर्ष तपस्या करते बीतने के बाद जब माता पार्वती को चिंता हुई कि शिव जी कहाँ हैं, वह अपने भाई सारंगनाथ जी को ढूंढने के लिए भेजी। वह सभी जगह अर्थात पूरा विश्व में ढूंढने के बाद सारंगनाथ मंदिर पहुँचे। तब शिव जी से वहाँ मिलकर बोले कि आपको बहन पार्वती जी बहुत ही याद कर रही हैं। तब शिव जी बोले कि यह नगरी तथा स्थान मुझे बहुत ही पसंद है, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आप यहीं पर रहिए। आज से यह मंदिर सारंगनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं प्रत्येक वर्ष श्रावण मास प्रारंभ होते ही हम पार्वती जी के साथ यहाँ पर आकर पूरे एक महीने इस मंदिर में विराजमान रहेंगे। और जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे दिल से आकर सावन मास में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, तब से यहाँ श्रद्धालुओं की सावन मास में भीड़ लगी रहती है। यानी अगर आप आ जाते हैं जल का हल्का सा छिड़काव भी आपके ऊपर हो जाता है तो भी आप पवित्र हो जाते हैं। मन को पवित्र रखिए, तन के पवित्र से कोई मतलब नहीं होता। हमारे आराध्य शिव जो श्मशान में रहते हैं, भस्म लपेटते हैं, चिताओं के साथ होली खेलते हैं, तो ऐसी जगह पे पवित्रता और अपवित्रता क्या? जहाँ जाने से लोग घबराते हैं, उस श्मशान के सबसे बड़े देवता आदिकाल महाकाल भगवान शंकर की नगरी और सारनाथ जहाँ वहाँ पे अपनी ससुराल है, तो आइए अग्नि स्नान भी आप कर सकते हैं और मंत्र स्नान भी कर सकते हैं। इस मंदिर का महात्म्य थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये सारंगनाथ मंदिर है और ये मंदिर भगवान शंकर जब पार्वती जी को लेकर के चले आए थे तो उनको ये पता चला कि एक ऐसा अघोरी जो मेरी बहन को लेके चला गया, वो कहाँ चला गया, उसको खोजते खोजते सारंग ऋषि जब यहाँ पर आए तो उनको स्वप्न में ये बात आई कि उनकी बहन जिनके साथ गई है वो विश्व के सबसे बड़े देवता हैं, उनके पास सोने के सारे महल हैं। तो यहीं पे सारंग ऋषि ने स्थापना की, यहीं पे उनको स्वप्न आया था। तो भगवान शंकर आकर के उनके साथ उन्होंने कहा कि पूरे सावन मास तक मैं यहीं पे विराजमान रहूंगा, मैं कहीं नहीं रहूंगा। एक तरह से ये यहाँ पे ससुराल है भगवान शंकर की। काशी विश्वनाथ एक महीने के प्रवास पर सावन माह में यहीं पर आते हैं और पूरे विश्व में एक ही अर्घ्य में दो शिवलिंग सिर्फ आपको सारनाथ में ही मिलेगा और पूरे विश्व में कहीं नहीं। अगर आपको कोई चर्म रोग होता है, खुजली होती है, तो यहाँ का महत्व है कि यहाँ का जल आप लगाते हैं तो खुजली से भी आपको छुटकारा मिल जाता है और मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसी नगरी में हम लोग हैं जहाँ पे नाम।